हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अपने फ़ोन को आईफोन में के लुक दे सकते हैं, पर आपका सिस्टम वैसा का वैसा रहेगा। अब कुछ फ़ोन रहते हैं, जैसे शाओमी का आपका फ़ोन आता है, तो शाओमी के फ़ोन में, रेडमी के फ़ोन में अगर आप ख़रीदते हो, के पास रेडमी का फ़ोन है, तो आप तो नॉर्मली आजकल के फ़ोन में थीम स्टोर होता है। जैसे मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी J7 प्रो है, ये इसका गैलेक्सी थीम्स है, तो उसको लुक देने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके थीम स्टोर पे जाओगे गैलेक्सी थीम्स में, यहाँ पे आप iOS सर्च करो, फिर आप यहाँ थीम्स पे जाओ तो आपको ये सब मिलेंगे, पर ये सारे पेड हैं और ये आपको रियल आईफोन का लुक नहीं देते हैं। जैसे आपको ये लगता है ये रियल आईफोन का लुक देता है, पर देखिए ये आपका, ये तो आपका नॉर्मल है, ये देखो ये रियल आईफोन का आपको वो नहीं देता है। और अगर हम बाकी देखें तो ये वाला, ये भी आपको रियल आईफोन का लुक नहीं देता। तो ऐसे ही, तो अगर आपके पास रेडमी है तो आप उसके थीम स्टोर में जाके वहाँ पे सर्च कीजिए, ऐसे iOS सर्च कीजिए, तो वहाँ पे आपको एक वो मिलेगा थीम, जिसका नाम होगा iOS 13 डुअल प्रो, ऐसे कुछ 13 डुअल प्रो करके नाम है, तो उसको आप अप्लाई कर लीजिए डाउनलोड करके, तो आपके रेडमी में जो होगा वो आपका सिस्टम इंटरफेस सब कुछ आपका आईफोन की तरह हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक सैमसंग J7 प्रो है, ठीक है, तो अब मुझे इसको आईफोन में बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, आपको क्या करना है कि आपको इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड करनी है, ये दो फाइल्स, और इसको कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आप जाइए गूगल पे, आप ये सर्च कीजिए आईफोन आई लॉन्चर APK, और ये जो आपकी लिंक है ये वाली लिंक है ना आपकी, ये वाली इसमें लिखा है आई लॉन्चर 3.8.4.6 APK पेड डाउनलोड, पर ये पेड डाउनलोड नहीं है, ये इसमें आपको कुछ पे नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप इंस्टॉल कीजिए ये जो है आपका आई लॉन्चर 3.1.4 वर्जन, आप इस पर क्लिक कीजिए, तो ये आपको डाउनलोड इंटरफेस पे ले आएगा। अभी इसके पूरा होने दीजिए, हाँ ये लोड पूरी तरह होगी इस साइट, ये पेज लोड हो गया, और यहाँ पे आप स्टार्ट डाउनलोड पर दबा दीजिए, यहाँ पे डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो रहा है। मेरे पास पहले डाउनलोडेड है ये चीज़, तो मुझे इस पर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अपने फाइल्स पर जाऊँगा, अब ये इस पे जाऊंगा और इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा, इंस्टॉल कर ले रहे हैं हम इसको, अभी हम इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से आप इनको डायरेक्टली ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद ये ओपन हो रहा है आपका, ये आ गया आपका, देखिए रियल आईफोन की तरह है इसका इंटरफेस। आपको ये सोच रहे होंगे कि आप इतने छोटे छोटे क्यों हैं, आप प्रेफरेंसेस में जाइए, पर्सनलाइजेशन पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आईपैड मोड है, तो अभी आपका ये जो फ़ोन है डिफ़ॉल्टली आपका ये आईपैड मोड पे है, तो आप इस आईपैड मोड को बंद कर दीजिए और इस फिफ्थ रो को अनेबल कर लीजिए। अनेबल होने के बाद आपका यहाँ पे ना ये दोबारा रिस्टार्ट होगा, ये आपका रिस्टार्ट हो गया, बड़े बड़े ऐप्स आ गए। ये फिफ्थ रो से क्या होता है कि जो नॉर्मली आपके चार रोज होती हैं ऐप भरने के लिए, पर अब इसमें पांच रोज है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे पांच रोज हैं, ये चार रोज होती थी, अभी पांचवी रो भी आ गई है। तो उसमें तो बहुत से फ़ोनों में क्या होता है कि आजकल तो वह बहुत सी बड़ी बड़ी GB के फ़ोन आ चुके हैं, तो उनमें जो ऐप्स बहुत सारे होते हैं, तो ये चीज़ उसने आपको दिखती नहीं है काम करती हुई, पर ये काम करती है। तो अब आपको क्या करना है आगे, अब मैं आपको, अब ये आपको दिख रहा होगा जो आपका स्टेटस बार है, स्टेटस बार का ब्लैक है, पर नॉर्मली होम स्क्रीन में फ़ोन पर स्टेटस बार होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको करने के लिए तो क्या करना है, गूगल खोलिए, वहाँ पर सर्च कीजिए ये
आई एन ओ टी ए पी के, ये आपने सर्च किया, फिर सबसे पहली लिंक ये वाली, इसको नोट के लिए सबसे पहली लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, सबसे पहला वाला वर्जन आप क्लिक कीजिए, फिर पेज थोड़ा लोड होने दीजिए, पेज बस लोड हो ही जाएगा अभी, अभी लोड हो चुका है आपका पेज। अब यहाँ पे आप स्टार्ट डाउनलोड पर चलाइए, स्टार्ट डाउनलोड आपने दबाया, ये आपका आ गया कि आपको डाउनलोड करना है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे पास तो ये पहले से डाउनलोड है, अब मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। कैंसिल करने के बाद अब अपने होम स्क्रीन पर आइए, हाँ अब आप यहाँ पे होम बटन दबा, तो उससे पहले जब आप देखिए, अब इसमें नॉर्मली यहाँ पे जो आपको दिखा रही है सेट एज होम ऐप, तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप जैसे आपने ये आई लॉन्चर पहले आपने इसको देखिए, अभी आपको ये हो गया ना, ये प्रॉब्लम होती है, आपने इसको ओपन किया, आपने ये व्हाट्सएप खोली अपना, तो आप अपना ये होम बटन दबाएंगे, तो ये आई लॉन्च से जो ऐप है ना, आप इसको क्लिक कर लीजिए, इससे जब भी आप होम बटन बैक बटन कुछ भी दबाएंगे ना, तो आपको ये इसी इंटरफेस से वापस ले जाएगा, आपको अपने वो नॉर्मल वाले पे नहीं ले जाएगा। तो फिर अब हमें करना है स्टेटस बार का, हमने वो फाइल डाउनलोड कर ली, अब अपने माई फाइल्स में जाएंगे और उस फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो रहा है हमारा, अब हम इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको अनेबल कर लेंगे और यहाँ पे हम बैटरी के परसेंटेज भी शो कर लेंगे। अभी आपका हम होम बार पे जाएंगे, अभी आपका ये ट्रांसपेरेंट हो गया, अब देखिए ये सीधा आपका दिखाता है। अब नोटिफिकेशन के लिए आपको इसकी एक्सेसिबिलिटीज देनी पड़ेंगी, तो हम यहाँ पे इसको टर्न ऑन कर देंगे। तो अब यहाँ आपको आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आई नोटी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे, देख लीजिए अभी तो यहाँ पे कोई नहीं होंगे, पर आगे जब भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे उसका पॉपअप भी यही रहेगा और यहाँ पे आके नोटिफिकेशन शो भी होंगे। अब अगली चीज़, हम इसका वॉलपेपर कैसे बदलें, यहाँ पर्सनलाइजेशन पे चेंज वॉलपेपर, पर इसके लिए आपको ना अपनी यहाँ पे आपको तीन ही दिखाएगा, आप फोटोज पे जाना, पर उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको ये है ना आईफोन वॉलपेपर, इसको क्लिक करके, तो क्लिक करा हमने, या इमेजेस में जाके कोई भी जो भी आपको वॉलपेपर अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आ गया वापस, अब हमारा बचा है कि हम यहाँ पे बहुत से आईफोन्स में होते हैं कि आप अपने ऐप को हाइड नहीं कर सकते, पर इसमें ऐसी चीज़ है, और अगर कोई आपको अनइंस्टॉल करना हो वो भी आप कर सकते हो, जैसे मुझे ये जूम अनइंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आएगा आपको पॉपअप, डू यू वॉन्ट टू अनइंस्टॉल दिस ऐप, मैं कैंसिल करूँगी क्योंकि मुझे अभी इसे नहीं करना है, और बाकी मुझे ऐसे इस कैलकुलेटर सा कुछ करना है, मैं इसका आइकन चेंज करना चाहता हूँ, पर उसके लिए वो आपको अपने डाउनलोड रिसेंट्स पे रहेगा ड्राइव की तरफ से, और वहाँ पे आपको एक फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी जिससे आइकन चेंज होगा, पर आपके पास वो फाइल नहीं होगी तो कोई बात नहीं। आप अगर आप इसको आईफोन वाले कैलकुलेटर में चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आप कीजिए सेट दिस ऐप एज, फिर आप नीचे जाइए और इस कैलकुलेटर पे कर लीजिए, तो आपका ये कैलकुलेटर की तरह आइकन बन गया। अब आप अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं, हाइड करना है तो हाइड द ऐप, इसका टाइटल चेंज करना है, इसको हाइड करना है, हाइड कर लिया हमने, अब हमें इसको वापस लाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे, यहाँ पे हम ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे, रिस्टोर हिडन ऐप्स, और यहाँ पे वापस इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका वापस आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही,
मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।